राम राम दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं तुम्हारा शर्मा क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री, और राजस्थान की हिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे जालौर के चौहान की। तो देखो, बात कर रहे हैं अपन जालौर के चौहान। जालौर के चौहान, जालौर क्या है भैया? प्राचीन समय में, आजकल तो खैर सारा मामला डेवलप हो गया है, लेकिन पहले के समय में यहाँ एक ऋषि थे, और उन ऋषि की ये तपोभूमि हुआ करती थी। जिन ऋषि का नाम है जावाली ऋषि। जावाली ऋषि की क्या तपोभूमि हुआ करती थी, और जावाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम था जावालीपुर। जावालीपुर, जावाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? जावालीपुर। अब हमें कहां से पता चलता है कि इसका नाम जावालीपुर था? तो उसके लिए एक शिलालेख है, और इस शिलालेख का नाम है बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख से हमें पता चलता है कि जालौर का प्राचीन नाम क्या है? जावालीपुर। अब इसका नाम जालौर कैसे हुआ? तो यहाँ क्या एक वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष का नाम है जाल वृक्ष। तो जाल वृक्ष की बहुतायत के कारण इसका नाम क्या हुआ? जालौर हो गया। और जालौर में सोनगढ़ चौहान शासन करते थे। पहले इनका जो शासन है वो नाडौल से चलता था, बाद में जालौर आया, तो उसके बारे में हमें अभी बात करनी है। जालौर से पहले जो यहाँ के सोनगढ़ थे उनका शासन चलता था नाडौल से। नाडौल वर्तमान पाली जिले में आता है, यहाँ से चलता था इनका शासन। यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम है अल्लन, और अल्लन का पुत्र था कीर्तिपाल। अल्लन के पुत्र का क्या नाम है? कीर्तिपाल। और इनके जो समकालीन शासक हैं कहाँ? चित्तौड़। चित्तौड़ में इनके समकालीन शासक हैं जिनका नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह का एक छोटा भाई है, इसका क्या नाम है? कुमार सिंह। किसी कारण से कीर्तिपाल ने आक्रमण कर दिया, किस पर? सामंत सिंह पर। और इस युद्ध में हार होती है किन की? सामंत सिंह की। हार होने के बाद में कीर्तिपाल का जो अधिकार है वो किस पर आ गया? चित्तौड़ पर। कुछ समय के पश्चात यहाँ के जो वो थे सरदार थे, उन्होंने कुमार सिंह से कहा कि साहब ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारे ऊपर किसका शासन है? किसी विदेशी का। अब यहाँ विदेशी से मतलब भैया कोई दूसरे देश की बात नहीं है। उस समय पर जो चित्तौड़ वाले थे उनको जो नाडौल का राजा था वो क्या होता था? विदेशी होता था। इसके कारण क्या हुआ? कुमारपाल ने दोबारा आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर भैया? कीर्तिपाल के ऊपर, जिसमें कीर्तिपाल की क्या होती है? हार होती है। और कीर्तिपाल नाडौल से भागकर कहाँ आ जाता है? जालौर आ जाता है। और जालौर में 1181 ईस्वी में ये स्थापना करता है, किसकी? चौहान वंश की। तो जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हुआ? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि मिली हुई है, और इस उपाधि का नाम है भैया कीतु एक महान शासक। की तो एक महान शासक है की उपाधि मिली हुई है किसको? कीर्तिपाल को। अब ये उपाधि इन्हें किसने दी? तो ये उपाधि दी मुहुनोर नैनसी। मुहुनोर नैनसी के बारे में तुम जानते हो? मुहुनोर नैनसी के बारे में तुम जानते हो? इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अबुल फजल। और इसको राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है,
ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा किसको, मोनोद नैन्सी को, राजस्थान का अबुल फजल। और मोनोद नैन्सी ने कीर्तिपाल के लिए एक उपाधि दी जिसका नाम है कीतु एक महान शासक। हाँ जी, हम बात कर रहे थे किसकी, कीर्तिपाल की। और कीर्तिपाल को कौन सी उपाधि मिली हुई है, कीतु एक महान शासक, कीतु एक महान शासक की उपाधि है। इसके बाद में अनेक राजा हुए लेकिन उनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतिहास में। जालौर का एक सबसे इम्पोर्टेंट शासक हुआ जिसका नाम है कान्हड़देव। नाम क्या भैया, कान्हड़देव। इनका जो रूलिंग पीरियड है वो 1299 से लेकर के और 1311 ईस्वी तक, 1299 से 1311 ईस्वी तक शासन किया था किन्ने, कान्हड़देव ने। और कान्हड़देव के पुत्र का नाम है वीरमदेव। ये इनके क्या हैं, ये इनके पुत्र हैं ये। अब बात आती है 1299 की, देखिएगा बात क्या है। अपन का राजस्थान कैसा है भैया, पतंगा का राजस्थान है। ये मैंने हमारा राजस्थान बना दिया, देखो जैसा भी राजस्थान है बहुत बढ़िया राजस्थान है हमारा, है ना। तो अपन बात करते हैं दिल्ली की, और दिल्ली में इस समय पर किसका शासन चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का और उसमें भी कौन सा वंश है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और इधर है भैया दूसरी तरफ पड़ता है क्या, गुजरात, ठीक है ना। और बीच में से हमारे राजस्थान के बीच में से क्या जा रही है, अरावली पर्वतमाला, जो विश्व का सबसे पुराना क्या है, बलित पर्वत, ठीक है। और इसके इस तरफ तो है कौन सा, मेवाड़ रियासत। और दूसरी तरफ है कौन सी रियासत, जालौर। ठीक है, बात कब की है, 1299 ईस्वी। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूघ खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना साहब कहां जाना चाह रही है, गुजरात। और गुजरात में एक मंदिर पड़ता है सोमदेव का मंदिर। इस मंदिर को लूटने जाना चाह रही है किसकी सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना। अब इनको साहब जाने के लिए या तो जालौर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा या मेवाड़ वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो इन्होंने जाते समय कौन से रास्ते का उपयोग किया, मेवाड़ वाले रास्ते। और मेवाड़ में इस समय पर शासन था समर सिंह का। तो जैसे ही सेना ने एंट्री की मेवाड़ वाले रीजन में, तो समर सिंह के मंत्री निम्मा ने उन्हें आकर साहब क्या किया, निम्मा ने आकर अपने राजा को बताया कि साहब हमारी जो रियासत है इससे एक सेना गुजर रही है जिससे हमारे किसका नुकसान होगा, किसानों की फसलों का नुकसान होगा। तो इन्होंने क्या किया, समर सिंह ने सेना को जाने से रोक दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इनको टैक्स दिया। और टैक्स लेने के बावजूद इन्हें कहाँ जाने दिया, गुजरात जाने दिया। और गुजरात जब ये तोड़ फोड़ करने के बाद सोमनाथ के मंदिर की क्या की इन्होंने, तोड़ फोड़ किया यहाँ पर, और जो भी धन संपदा थी उसको लूट करके। अब भैया जब एक बार इनसे टैक्स यहाँ वसूल लिया तो दोबारा ये इस रास्ते से नहीं जाएंगे, दोबारा इस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो इन्हें कहाँ से जाना होगा, जालौर वाले रास्ते से। तो गुजरात से जब सेना वापस किस रास्ते से जा रही है, जालौर वाले रास्ते से जा रही है। जैसे ही जालौर में एंट्री की, पता चला किसे, कान्हड़देव को। और कान्हड़देव ने इस सेना के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जिसमें क्या किया भैया, ये जो भी धन संपदा लेके जा रहे थे उसे इनसे छीन लिया, और सोमनाथ की मूर्ति को उन्होंने खंडित कर दिया, जिसे कान्हड़देव ने 5 अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवाया। और साथ सेना को खाली हाथ यहाँ से जाने दिया। सेना ने जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को इस यात्रा का पूरा वृतांत बताया कि साहब हम ऐसे ऐसे जब आपने हमें यहां भेजा तो हमारे साथ इस प्रकार की क्या हुई, घटना हुई। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ का सबसे जो शक्तिशाली शासक कौन हुआ, कान्हड़देव। रूलिंग पीरियड 1299 से 1311 ईस्वी तक।
इनका जो पुत्र है उसका नाम है भीरमदेव, और 1299 की बात आती है, 1299 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन की सेना कहाँ जा रही है, सोमदेव के मंदिर को लूटने जा रही है। जाते समय कौन से रास्ते का उपयोग किया, मेवाड़ वाले का, और वापस लौटते समय किसका उपयोग किया साहब, जालौर वाले रास्ते का। तो जैसे ही जालौर वाले रास्ते से सेना वापस लौट रही थी, किसने आक्रमण कर दिया, कान्हण देव ने, जिसमें सोमनाथ के मंदिर की जो खंडित प्रतिमा थी उसे 5 अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवाया और इनसे सारी धन संपदा लूट ली गई। हाँ भैया, तो क्या हुआ, एक एक को जाकर के यात्रा का वृतांत सुनाया, किसने, सेना ने। तो एक ने क्या किया, इनका एक सेनापति है जिसका नाम है एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी, देखो कितना मजेदार नाम है, एन उल मुल्क मुल्तानी। और एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी कहां, जालौर, और जालौर का शासक कौन है, कान्हण देव। इसके नेतृत्व में सेना कहां आती है, जालौर आती है। दिन भर तो क्या युद्ध चला, और जब शाम के समय युद्ध प्रारंभ का बिगुल बजा, उसके बाद मुल्तानी क्या भैया, सोमरस भैया अपने खेमे में आकर के मुल्तानी क्या पी रहा था, सोमरस पी रहा था। इधर भैया कान्हण देव और पुत्र क्या का नाम है, भीरमदेव, कान्हण देव और भीरमदेव दोनों ये भी क्या पी रहे थे, सोमरस, ठीक है, सोमरस पी रहे थे। तो भैया भीरमदेव ने अपने पिता कान्हण देव से कहा कि पापा देखो मामला ऐसा है कि हमारे पास सेना क्या है, कम है, और इधर वाला जो सेनापति है ये इसके पास में सेना ज़्यादा है, हमारा मामला सेट नहीं होगा। जिसके कारण कान्हण देव ने क्या कहा कि बात तो ठीक है यार, तो क्या करना चाहिए कि साहब हमें मुल्तानी के साथ क्या कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। अगले दिन दोनों के मध्य क्या हो गई, संधि हो गई, और इस संधि के तहत मुल्तानी क्या है, भीरमदेव को अपने साथ कहाँ ले गया, अलाउद्दीन के दरबार में ले गया। भीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में पहुंच गया भैया, देखो है ना। हाँ भैया, मुल्तानी और इधर कौन है, कान्हण देव। बात करती है 1305 की, दोनों के मध्य क्या हो गई, संधि हो गई। तो साहब देखो ये दरबार लगा हुआ है किसका, अलाउद्दीन का, यहां बैठा है कौन, केके, ठीक है, और यहाँ हैं उनके दो संतरी जो बताते हैं कि साहब कौन आ रहा है, और इधर बैठे हुए हैं इनके सरदार सामंत और मंत्री लोग, ऊपर बैठी हैं रानी और राजकुमारियां। तो तुमने मूवियों में देखा होगा जैसे ही कोई आदमी दरबार में आता है तो ये जो सामंत, ये जो संतरी होते हैं, ये क्या कहते हैं कि साहब महाराज की जय हो, आपके दरबार में कोई पधार रहे हैं, जैसे जिनको भी नाम है, जैसे अभी यहाँ भीरमदेव आ रहे हैं तो इनके लिए क्या कहा जाएगा। तो भीरमदेव ने जैसे यहाँ से एंट्री की, यहाँ से संतरी गए कहाँ, दरबार में, और दरबार में जाकर के उन्होंने कहा कि साहब महाराज की जय हो, आपके दरबार में कौन पधार रहे हैं, भीरमदेव पधार रहे हैं। जैसे ही साहब भीरमदेव पधारे तो देखो सबका अटेंशन हुआ कि नहीं भीरमदेव की तरफ, बिल्कुल हुआ साहब, और यहाँ बैठी थी कौन, फिरोजा, और फिरोजा की नजर पड़ती है किस पर, भीरमदेव के ऊपर। जैसे ही फिरोजा की नजर भीरमदेव पर पड़ी और भीरमदेव की नजर भी किस पर पड़ी थी, फिरोजा पे, तो दोनों का क्या हुआ, मामला सेट हो गया भैया। और दोनों का मामला सेट हो गया, गार्डन में मिलना जुलना चलता रहा। कुछ समय के पश्चात इनका पता चला किसको, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन ने फिरोजा से पूछा कि साहब मामला क्या है, तो फिरोजा ने कहा कि बिल्कुल पापा मुझे कौन पसंद है, भीरमदेव पसंद है, और मुझे भीरमदेव से
शादी करनी है। अलाउद्दीन ने कानड़ देव के पास प्रस्ताव भिजवाया किसका, शादी का। अलाउद्दीन ने कानड़ देव के पास, बात तो पिताजी से करेंगे ना, तो किसके पास प्रस्ताव भिजवाया, कानड़ देव के पास। और कानड़ देव ने इनसे तो कर दिया मना, और अपने जो गुप्तचर से, गुप्तचरों के द्वारा किसके पास सूचना भिजवाई, बीरम देव के पास। और बीरम देव से क्या कहा, अपने देशी लैंग्वेज में, कि चुपचाप कहाँ आ जा, वापस घर आ जा, नहीं तेरी शादी करवा लूंगा मैं अभी, ठीक है ना। इसके बाद में साहब बीरम देव वापस आ जाते हैं, और जिसके कारण गुस्सा आ गया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और गुस्सा क्यों आया, क्योंकि इधर रो रही है कौन, फिरोजा, वियोग में बिल्कुल तड़प रही है भैया, फिरोजा तड़प रही है। और उसके बाद 3 साल तक इंतजार किया, और 1308 में भेजा किसको, कमालुद्दीन गुर्ग को। तो देखो भैया, समय की क्या है, थोड़ी सी अल्पता है, जिसके कारण आज के लिए इतना ही। कल से दोबारा तुम्हारी क्लास लगेगी, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।